हेलो दोस्तों, जी के प्राइम वीडियो में आपका स्वागत है। यदि आप सरकारी जॉब का तैयारी कर रहे हैं और आपको ये पता नहीं चल रहा है कि कौन कौन से वैकेंसी आ रहे हैं सरकारी जॉब के लिए, तो बने रहें इस वीडियो में। आप अपने मोबाइल में सबसे पहले आप डिस्प्ले पेज पे जाएं और क्रोम हो या गूगल को आप ओपन करें। जैसे मैं अपने मोबाइल में क्रोम को ओपन किया हूँ। इसके बाद आप क्रोम ओपन करने के बाद सबसे पहले गूगल पे आप सर्च करें सरकारी रिजल्ट। सरकारी रिजल्ट को आप सर्च करें, उसके बाद सरकारी रिजल्ट को सर्च करें तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे हर एक टाइप के सरकारी जॉब से रिलेटेड सारे वैकेंसी को बताया जाता है कि कब इसका डेट, कब तक ये फॉर्म भराएगा और कब से ये स्टार्ट हो रहा है। तो यदि आप सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार ज़रूर इस वीडियो को देखें। आप सरकारी रिजल्ट .com पर जाके उसको ओपन करें साइट को। उसके बाद आपको पता चलेगा कि कौन से एग्ज़ाम का आपका एडमिट कार्ड आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है और लेटेस्ट जॉब के बारे में। या अब एक और भी है, इसका एक और भी साइट है। आप अपने क्रोम को ओपन करें, उसके बाद आप फ्री जॉब अलर्ट को आप ओपन करें। देखिए, फ्री जॉब अलर्ट को मैंने ओपन किया हूँ। उसके बाद आप देखिएगा कि इसमें भी आपको सरकारी जॉब से रिलेटेड हर एक टाइप का जॉब को आपको देखने को मिलेगा। जैसे होम पेज पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको कोई भी स्टेट, इंडिया में कोई भी स्टेट को आप देख रहे हैं कि कौन सा सरकारी जॉब आया है, तो आप स्टेट को ओपन करेंगे। स्टेट को ओपन करने के बाद देखिएगा कि आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, इसी तरह मतलब सारे स्टेट का आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे मैं बिहार का हूँ तो बिहार में ओपन कर रहा हूँ, तो बिहार में ओपन किया हूँ तो आप बिहार में देखेंगे कि मेरा कितना अभी जॉब आया है। BPSC वेरियस वैकेंसी 23 लास्ट डेट कब है और कब भरने का डेट कब है, ये सारा कुछ इस पर आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको सरकारी जॉब से रिलेटेड यदि कोई भी वैकेंसी अगर जानना हो तो आप सरकारी रिजल्ट .com पे आप देख सकते हैं या तो फ्री जॉब अलर्ट पे आप देख सकते हैं। इसमें आपको हर एक टाइप के सरकारी जॉब से रिलेटेड वैकेंसी देखने को मिलेगा। आप रेलवे हो, बैंकिंग हो, SSC हो या BPSC हो, स्टेट पब्लिक सर्विस हो, हर एक टाइप का आपको जॉब इसमें मिल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए